नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आपको पता है जब से कंगना रनावत को मिली है वाई प्लस कैटेगरी वाली सुरक्षा, गीला हो रखा भाई कई लोगों का कच्चा। गुर्दे तिल मिला गए हैं, अंदर से अंतड़ियां फड़फड़ा के बाहर निकल रही है, कच्चा बच्चा सब गीला कर रही है कि कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी कैसे मिल गई। कई लिबरल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है कंगना को वाई ग्रेड सिक्योरिटी देकर। तो भाई प्रियंका गांधी या वाड्रा फैमिली कौन सा एलियन आते हैं कि उनके लिए सिक्योरिटी देने, वहां क्यों नहीं बोलते हो? वहां तो अगर उनसे बंगला खाली करवा लिया जाए, अरे संविधान की हत्या हो गई भाई। प्रियंका गांधी वाड्रा कौन से फ्रीडम फाइटर है क्या? उनकी सिक्योरिटी हटाई जाए तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वहां कोई नहीं बोलता कि वहां टैक्स पेयर्स की मनी से क्यों उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। कौन है ये, क्या है ये, कहां से आते हैं ये लोग? लेकिन नहीं, वाड्राज द गांधीज वो तो भगवान के अवतार है ना, उनके तो मतलब चरण धो धो कर पिए जाते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूं दोस्तों, जो कि ऐसे लिबरल मीडिया और महाराष्ट्र सरकार का नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला मोड दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार जो है कंगना रनावत से पंगा ले चुकी है, और कंगना रनावत तो है ही पंगा क्वीन, जबरदस्त तरीके से पंगा लेती है और डंके की चोट पर लेती है। वो हिपोक्रेट नहीं है बॉलीवुड के गर्दुल्लों की तरह जो देश को खूब गालियां दे। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि किसी को अधिकार नहीं बनता जिस मिट्टी ने आपको नाम दौलत शोहरत। इवन उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं महाराष्ट्र में मुंबई में, इस मिट्टी से वो नाम इज्जत दौलत शोहरत पैसा सब कमाते, लेकिन कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, उस सिटी को यू नो वो क्रेडिट नहीं देते बल्कि अपमान करते। तो भाई मिट्टी मुंबई की हो या पूरे हिंदुस्तान की, ये जो बात आपने इशारों इशारों में कंगना के लिए बोली है ना सर, ये आप बाकियों के लिए क्यों नहीं बोलते? आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, पूरी ये जो मंडली है स्वरा वगैरह, इनको भी बोलो ना एहसान फरामोश, जिस थाली में खाते उसी में छेद करने वाले। कंगना ने महाराष्ट्र के ऊपर गलत बोल दिया तो अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन देश का अपमान बर्दाश्त होता है सबको। वाह, देखो भैया ऐसा है ना, अब जिस तरह से चीजें हो रही हैं, आईपीएल शुरू होने वाला भैया है, इंडिया के आप किसी भी स्टेट में रहते हो पर आपकी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे। आप चाहे इंदौर के हो, इंदौर में सबसे ज्यादा पोहा पसंद किया जाता है, आप पोहा नहीं खाओगे, आप वहां वड़ा पाव खाओ क्यों? अगर आप वड़ा पाव नहीं खाओगे तो आप महाराष्ट्र का अपमान कर दोगे। आप गुजरात में है खमन ढोकला खाते हो लेकिन नहीं, आप वड़ा पाव खाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान कर देंगे, मराठी अस्मिता का अपमान होगा अगर आप वड़ा पाव नहीं खाएंगे तो, अगर आप मुंबई इंडियंस का सपोर्ट नहीं करेंगे तो, अगर आप मुंबई में बनी फिल्में नहीं देखेंगे, अगर आप मुंबई में बन रहे शोज या सीरियल्स नहीं देखेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे, तो आप महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है, देश में रहने का कोई हक नहीं है, देश में रहने का हक नहीं है। अगर हम बोल दें नसीरुद्दीन शाह को, अनुराग कश्यप को या पूरी आमिर खान शाहरुख वगैरह सबको, तो भाई हम कौन होते हैं? लेकिन यहां सब कुछ होते हैं। वाह, अब देखिए भैया ऐसा है कि मुंबई पुलिस के ऊपर क्वेश्चन कोई मत करो। ये लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, उसको वाई सिक्योरिटी क्यों दे दी, वाई ग्रेड सिक्योरिटी क्यों दे दी? अरे भाई मुंबई पुलिस के ऊपर तो पालघर में साधुओं ने भी भरोसा किया था। क्या किया मुंबई पुलिस ने? पल्ला झाड़ के भग गए वो साधु बेचारे, मरते रह गए, पीट पीट के मार दिया लोगों ने। सुशांत केस, दिशा केस, मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई काम किया नहीं कि उनकी तारीफ की जाए या गोल्ड मेडल दे दिए जाए। पहले अपना काम ढंग से करो, नहीं बाद में कोई क्रिटिसाइज करे तो धमकियां दो। अब तो बीएमसी के लोग कंगना का ऑफिस वगैरह तोड़ने के लिए भी पहुंच गए। जरा सोचिए, यही चीज अगर पिछले 6 सालों में मोदी सरकार कर देती अनुराग कश्यप, आमिर खान, इन सबके, नसीरुद्दीन शाह वगैरह के साथ, तो भाई संविधान की हत्या हो गई होती। अबे मतलब इतना रोना धोना मचता ना कि सड़कों पर आंसुओं का सैलाब आ जाता। अब देखिए ये जो नया ट्रेंड इन लोगों ने स्टार्ट किया है, ये है फासीवाद, ये है नाजीवाद, ये है तानाशाही, ये है डिक्टेटरशिप। और ये ट्रेंड अगर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कल को अगर ऐसा ही कुछ तापसी के साथ, स्वरा के साथ या पूरे बॉलीवुड अख्तर एंड भट्ट के साथ हो तो रोइएगा मत, बिलबिलाइएगा मत, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई ये मत बोलिएगा। अगर आप आज हंस रहे हैं तो कल अगर आपके लोगों के साथ हो तो रोना मत, तब और लोग भी हंसेंगे, हम भी हंसेंगे। अगर आप आज कंगना के ऊपर हंस रहे हैं, कल को किसी और के साथ होगा तो फिर हम भी हंसेंगे। हम पर मत फिर उंगली उठाना कि इंसानियत कहां गई तुम्हारी, क्योंकि आज अगर यहां कंगना के साथ हो रहा है कल किसी और के साथ होगा। अब ये जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जो मोड है ना, ये महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, मीडिया पर भी मैं लागू करना चाहूंगा। मीडिया का एक सेक्शन बहुत ज्यादा बातें कर रहा है कि यार कैसे गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं रिया के ऊपर, उस बिचारी, ओ बिचारी बोला जा रहा है उसको, यहां कंगना का ऑफिस घर तोड़ा जा रहा है,
उसको कोई विचार ही नहीं बोले। मीडिया का जो सेक्शन है जो कि रिपब्लिक चैनल और तमाम चैनलों को बहुत यू नो गिद्धों का झुंड बोल रहा है और इस तरह की जो आवाज़ें उठाने वाले जैसे रंडी टीवी पूरा एक लिबरल मीडिया, ये हरामखोर लोग, अब ये हरामखोर नोटी है। एज पर संजय राउत जी, हरामखोर वर्ड का मीनिंग अलग हो चुका है। इट्स लाइक नोटी, इट्स लाइक नोटी। ओह माय गॉड, वाओ। तो ये जो हरामखोर मीडिया है ना, जो आज बड़ी मीडिया एथिक्स की बातें कर रहा है, ये गर्दुल्ले लोग और वो रंडी टीवी उसकी बरकत, कारगिल के टाइम पर हमारी सारी लोकेशन लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, 26/11 के समय होम मिनिस्ट्री के सोर्सेस से बात कर रही थी, सब पता कर रही थी, एनएसजी कमांडोज यू नो दिल्ली से निकल गए, ताज होटल की छत से अंदर जाएंगे, सारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तब कहां मर गया था जर्नलिज्म के एथिक्स? मतलब ये देख लीजिए, ये लोग खुद कुछ भी कर सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसी को बोला जाता है। खुद को आता पता कुछ नहीं एथिक्स का, दूसरों को ज्ञान देते हैं। और जब इनके चैनल कोई नहीं देखते तो फिर लो टीआरपी हंगरी है, देश में जीडीपी, ये इकोनॉमी, बेरोजगारी, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अबे कोरोना केसेस इंडिया में जितने बढ़े हैं ना, उसमें 25% योगदान सिर्फ महाराष्ट्र का है। लोग कहते हैं कि मोदी ने कोरोना कंट्रोल नहीं किया, महाराष्ट्र में मोदी नहीं है और महाराष्ट्र में कोरोना काल सबसे बेकार है। सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स भी महाराष्ट्र से ही गए हैं। लेकिन नहीं भैया, आप महाराष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे। अक्सर कमेंट आते हैं मेरे वीडियो के नीचे, भाई देश में कोरोना इतना हो गया, कुछ बोलो। भाई देश ना स्टेट्स को मिलाकर बनता है और हर स्टेट में मोदी नहीं है और महाराष्ट्र में तो मोदी है ही नहीं, यहाँ तो कांग्रेस सोनिया सेना है। क्यों नहीं कोरोना कंट्रोल कर पाए? क्यों यहाँ से ही सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर गई है ट्रेन यू नो भर भर के? रंडी टीवी रमेश बाबू बोल देते हैं कारखाने बंद पड़े हैं, मशीनों पर धूल चढ़ रही है, मजदूर है नहीं। और 2-3 महीने पहले तक यही रमेश बाबू रोते थे, मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रेनें चलाओ भाई, घर तक छोड़ो भाई। अब ट्रेनें चला दी, मजदूरों को घर तक छोड़ दिया। ऑब्वियसली मजदूर जा चुके तो फैक्ट्री में एलियन आके तो काम नहीं करेंगे ना, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, काम करने वाले हैं नहीं। अर्थव्यवस्था की पीपड़ी बजाने वाले मार्च अप्रैल में कहते थे ये लॉकडाउन लेट हुआ है और जल्दी होना था, इकोनॉमी तो बाद में भी संभल जाएगी, जाने बचाओ। हाँ, जब जाने बचाने की कोशिश की गई, इकोनॉमी चली गई, इकोनॉमी। मतलब देखिए, इकोनॉमी और ये जीडीपी जो बातें होती हैं ना, ये डिबेट करने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। किसी रास्ते चलते इंसान से पूछ लीजिएगा जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ये सिर्फ डिबेट करने के लिए अच्छी होती है। जीडीपी अच्छी थी तब भी गरीब आदमी दो वक्त की रोटी के लिए जूझता था, जीडीपी गिर गई है तब भी गरीब आदमी दो वक्त की रोटी के लिए ही जूझ रहा है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल और पैनल्स और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, उनके बोलने के लिए अच्छी चीज़ होती है। किसान को, मजदूर को, दिहाड़ी करने वाले को घंटा फर्क पड़ता है जीडीपी क्या है क्या नहीं, उनको तो फुल फॉर्म भी नहीं पता। ये सिर्फ बातें करने के लिए होती हैं, जीडीपी, ये फिस्कल रेट, इन्फ्लेशन, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, लोग 1000-1500 का पिज्जा खा लेंगे लेकिन 20 रुपए किलो प्याज, अरे बाप रे बड़ा महंगा है। सब्जी वाले से 5 रुपए का धनिया, 5 रुपए की मिर्ची लेने में फट जाती है, लेकिन मूवी हॉल में जाएंगे 500 रुपए का टिकट लेंगे, ब्रांडेड शूज खरीदेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वहां क्यों नहीं बोलते हो जीडीपी जीडीपी है? बस जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, जीडीपी पे बोलो डीएसके, कोरोना पे बोलो डीएसके। कोरोना मुंबई महाराष्ट्र पुणे में तो आउट ऑफ कंट्रोल है। कहने का हमारा मतलब बस यही है, हर चीज के लिए मोदी का इस्तीफा मांगने वाले यहां पर चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। यहां तो जो सत्ता पक्ष वही धमकियां दे रहा है, सबसे ज्यादा तानाशाही फांसीवाद तो यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस यही है, लेकिन नहीं, यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बीजेपी स्टेट नहीं है। बीजेपी स्टेट अगर होता तब तक बहुत सारा रोना धोना मच चुका होता और डायरेक्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता। आपको तो पता ही है ना, बिहार में, यूपी में कुछ भी होता है, कांग्रेस पटाख से योगी इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। या तो खुद सरकारी तंत्र लगा है अपराधी को बचाने में, यही सिक्योरिटी, ये जो आज बातें हो रही है ना, सुशांत के पापा ने 25 फरवरी को किया था मैसेज, दे देते ना सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी दे रहे थे तो एटलीस्ट जाते पता करते क्या सिचुएशन है, प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए पूछ तो लेते, लेकिन नहीं, आपने तो सिरे से ना कर दिया। और यही नहीं, वो मुंबई पुलिस जो कि जानती है कि सुशांत केस से संबंधित कोई भी एफआईआर होगी वो डायरेक्ट सीबीआई को ट्रांसफर होगी, और वो मुंबई पुलिस जिसने कल तक कहा था कि बिहार पुलिस को एफआईआर फाइल करने का कोई अधिकार नहीं था, वही मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के निवेदन पर एक एफआईआर फाइल कर देती है सुशांत की बहन के खिलाफ।
जबकि वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन क्या दी हैं। कोई भी एफआईआर आप फाइल करोगे वो सीबीआई के पास जाएगी। अब इतना कॉमन सेंस भी अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोला जाए तो फिर क्या गलत बोला हमने। और अब चूंकि जब आपकी पोल पट्टियां खुल रही हैं तो आप धमकी दे रहे हो, अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले रहे हो, मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए अब हमारे जो इतिहास के लेजेंड्स हैं उनका नाम लेके एक सिंपथी कार्ड खेल लो। और वो मीडिया जो खुद गिद्धों की तरह टूट पड़ता था टीआरपी के लिए, चाहे कारगिल वॉर हो चाहे 26/11, टीआरपी के लिए कुछ भी करते थे, कहीं भी घुस जाते थे, एकदम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो लीक नहीं करनी वो भी लीक कर देते थे, वो लोग आज मीडिया एथिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब घंटा पे चार लपाड़े मारने चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ, कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बकवास वीडियो तो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाते हैं, खम्बट्टा खम्बट्टा या वो भूत प्रेत की थ्योरी, लेकिन जो सेंसिबल बातें अगर मैं कर रहा हूँ ना तो देख लीजिएगा इस वीडियो के नीचे बहुत तरह की बातें हैं कि भाई तू तो मोदी भक्त निकला, ये निकला वो निकला। जो चमचे हैं वो दूसरों को भक्त बोलेंगे, सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत को गाली दो चलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट अगर महाराष्ट्र के ऊपर मुंबई के ऊपर कुछ बोल दिया तो एहसान फरामोश है वो, ये दोगलापन होता है। ये सवाल सिर्फ एक ही बंदे से करते हैं पूरे इंडिया के लोग, मोदी से, अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट या अपने अपने सीएम से पूछो ना, कोरोना रोकने के लिए, जीडीपी में यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, रोजगार के लिए तुमने क्या किया। एक देश जो होता है ना वो पूरे स्टेट्स को मिलाकर बनता है, स्टेट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, डेवलपमेंट में, रोजगार देने में, कोरोना रोकने में, सबके एफर्ट्स मायने रखते हैं। एक अकेला पीएम नहीं सबके पीछे भागता है कि रोक लो, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, या फिर हॉस्पिटल में बेड रख दो। लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए नगर निगम के, नगर पालिका के, स्टेट के चुनाव होते हैं। अगर सब कुछ मोदी ही करना होता तो फिर ये सब चुनाव क्यों किए जाते हैं? आपकी चाय में मक्खी गिर जाएगी, मोदी जिम्मेदार। आपके नल में पानी नहीं आया, मोदी जिम्मेदार। बिजली का बिल नहीं भरा, लाइट कट गई, मोदी जिम्मेदार। ऐसी बेवकूफाना हरकत है, आई डोंट लाइक। जहां गलत है गलत बोला जाता है, लेकिन जहां गलत नहीं है कोई और गलत है, लेकिन वहां पर भी आप किसी और को गलत ठहराओगे, ऐसे लोग फिर नाचने जाना आंगन टेढ़ा वाली मेंटेलिटी के होते हैं। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें डीएसके डॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।